मेड इन पाकिस्तान, मतलब इतने भी पीछे नहीं हम आ रहे हैं, माशाल्लाह भाई मैं तो खुश हो रहा हूँ। बॉयज एंड गर्ल्स, हम ये टॉमी के स्टोर पे हैं और मैंने ढेर सारी चीजें उठा के चेक करनी है कैसी लग रही हैं। आओ जरा मेरा फैशन शो करें थोड़ा सा। हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है, दिस इज योर बॉय मूसा खाना, वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। बॉयज एंड गर्ल्स, अभी मुझे बहुत सांस चढ़ी हुई है इस वक्त, मैं वो जिम से होके आया हूँ, ठीक है। हुआ कि जब से मुझे तबियत खराब हुई ना, फ्लू हुआ, उसके बाद मैं जिम आना शुरू हूँ तो सांस जल्दी चढ़ी है, वर्कआउट इतने अच्छे नहीं हो रहे। आई थिंक बॉडी रिकवरी लेने में टाइम ले रही है, विच इज वन ऑफ द थिंग्स आई डोंट लाइक अबाउट गेटिंग सिक मैन। ठीक है, सिक हो गए हो, एक दो दिन की बीमारी होती है, तीन दिन हो जाते हैं, लेकिन रिकवरी जो होती है ना यार, उसका बड़ा मसला है यार। मतलब आपके सारे काम रुक जाते हैं, आई मीन मैंने रोके तो अपने सारे काम, यू नो आई स्टिल केप्ट गोइंग, बट इट जस्ट बिकम्स हार्डर फॉर नो रीजन। बॉयज एंड गर्ल्स, मैंने नोटिस की कि मैं अमेरिका में ज्यादा बीमार हूँ पाकिस्तान के नस्बत। हालांकि कहते हैं कि पाकिस्तान की आबरू हवा, कहते हैं बल्कि प्रूवन है कि पाकिस्तान में, लाहौर में था तो लाहौर में जो स्मॉग होती है, इतना बैक्टीरिया है वहाँ पे, आबरू हवा गंदी है, ये वो फलाना, लेकिन आई यूज्ड टू गेट वे लेस सिक कम्पेयर टू अमेरिका। आई मीन मैंने कुछ लोगों से बात भी किस बारे में, कहते हैं अमेरिका की आबरू हवा जो है वो ज्यादा साफ है, योर इम्यून सिस्टम काइंड ऑफ गोज डाउन, एंड व्हेन योर इम्यून सिस्टम इज down you get attacked by more diseases. इससे तो अच्छा फिर बंदा गंदे एटमोसफियर में ही रहे हैं, बंदा बीमार तो कम होता है ना। आई मीन आई एम नॉट अ डॉक्टर ऑब्वियसली, लेकिन मैंने नोटिस किया कि भाई उधर मैं बहुत कम बीमार होता था साल में एक दफा, इधर मैं साल में चार दफा तो होता ही होता हूँ। इन एवरी टाइम इट्स बैड, इट्स नॉट इवन लाइक थोड़ा सा फ्लू है, नजला जुकाम हुआ है, फिर एलर्जीज यहाँ पे अमेरिका में बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा, उनको शुरू हो जाती हैं। मुझे यहाँ पे ना एलर्जीज का 2021 में बहुत बड़ा मसला हो रहा था। मैं पाकिस्तान गया था ना 2021 में, मैं जैसे लैंड हुआ एयरपोर्ट में सब सही हो गया। मैं कह रहा हूँ कि यार मैं इतनी जगह क्लीन जगह से आया हूँ, यहाँ पे आया हूँ मैं, ठीक है, उस वक्त स्मॉग हो रही थी, मेरी सारी एलर्जीज खत्म हो गई, ना मुझे छींकें आ रही है, ना मुझे नजला हो रहा है, ना जुकाम हो रहा है, सांस भी खुली आ रही है। एनवायरनमेंट का भी हो सकता है कि बचपन से वहां पला बड़ा था, 18 साल की उम्र तक मुझे लगता है कि वो सिस्टम अंदर ऐसे डेवलप हो गया होगा। लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स ऑन दिस, जो डॉक्टर लोग अगर कोई देखते हैं प्लीज एनलाइटन मी। बाकी मेरी पिछली वीडियो में काफी लोगों ने मेरी ये शेव की कमेंट की और कहा कि अच्छे लग रहे हो, कुछ लोगों को नहीं पसंद आया, लेकिन एक बंदे ने स्पेसिफिकली कहा कि मूसा भाई यू लुक लाइक रूस्टर फ्रॉम टॉप गन मैवरिक, जिसने भी कहा है ना Love you. दूसरा यार मैंने एक और कमेंट देखे जो मैं कई बार ही देखता हूँ, मूसा भाई मैं ना अंदर से विश करता हूँ कि आप ना ज्यादा फेमस ना हो। आई थिंक आई अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज होता क्या है, इवन एज अ किड यू नो, जब मैं कोई कूल चीज कार्टून नेटवर्क पे टीवी पे देखता था तो मुझे होता था कि काश यार मेरे दोस्त ना फाइंड आउट करें, ये कूल चीज मुझे ही पता हो, जिससे मैं देख के चीजें सीखता भी हूँ, अच्छा भी फील करता हूँ और मैं लोगों को बता भी सकता हूँ। लेकिन जब मेन स्ट्रीम हो जाती है ना तो इट काइंड ऑफ लूजेस इट्स पावर, राइट? आई थिंक अबाउट दैट एवरी डे, बट आई एम गोना ट्राई टू नेवर बी दैट पर्सन। अगर वो मेन स्ट्रीम होता भी है तो उसको आप हेट करो। वन थिंग आई स्टैंड बाय विद इज बीइंग रॉ, ये आपसे वादा है मेरा, मैं फेक नहीं हूंगा किसी चीज के लिए, जो है वो है, हार्ट टू हार्ट सीधी सीधी बातें बताऊंगा, बिकॉज आई थिंक इस पॉइंट पे जो सोशल मीडिया के हम पहुंच गए हैं, अपने इतने विजुअल्स, इतनी फेकरी, हर जगह पे इतनी चीजें देख ली हैं कि ना अब ह्यूमंस जो है ना हम रियल लाइफ कनेक्शंस ढूंढ रहे हैं, एंड आई थिंक दैट व्हेन यू वॉच माय चैनल यू फील दैट कनेक्शन, तो मैं उस कनेक्शन को इंशाल्लाह लाइव रखूंगा। बट आई डू गेट दैट पॉइंट, एक प्लेटफॉर्म है ना उस पर क्रिंज लोग आना शुरू हो जाते तो वो प्लेटफॉर्म भी क्रिंज लगने लग जाता है, दैट इज टिकटॉक। टिकटॉक यूज टू बी दैट वे, राइट? टिकटॉक जब नया नया आया था मैं होता था यार उस पर, पार्डन माई लैंग्वेज, खुसरे जो है उस पर डांस करते रहते हैं, लेकिन इवेंचुअली लोगों ने रियलाइज किया कि यार प्लेटफॉर्म की गलती नहीं, लोगों की गलती है। फिर बाद में जब लोगों ने उसको अच्छा यूटिलाइज किया तो एवरीबॉडी स्टार्टेड लविंग इट। बट डोंट वरी, आई विल कीप दैट स्पार्क अलाइव नो मैटर हाउ बिग आई गेट। एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, आज का ये प्लान है, आज हमने मामू के साथ जाना है, ठीक है, ग्रैंड प्रेरी शॉपिंग आउटलेट है, उनके बच्चों की कुछ शॉपिंग करनी थी, मैंने कहा मैं भी जाके देख लूंगा, फिर मामू के साथ आपको पता हमारा हैवी लव शो शुगर लग ही जाता है, फिर ऑब्वियसली रोटी शोटी खाना शाना भी करेंगे। लेकिन वीडियो कंटिन्यू करने से पहले बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोगों ने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना मूसा खाना को, कॉस्ट यू नथिंग बट इट हेल्प्स योर बॉय लॉट टू कीप मेकिंग दीज व्लॉग्स। फिर जब हम निकलने वाले होंगे, आई विल सी यू देन। हां भाई बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ये, आपका भाई रेडी हो गया है, जा रहे हैं ग्रैंड प्रेरी आउटलेट है, बेसिकली आउटलेट वाले शॉपिंग मॉल्स हैं, क्या होते हैं, फैक्ट्री आउटलेट्स होते हैं बेसिकली ना, वहाँ पे जाके वैसे चेक करते हैं, इट्स अ वेरी लाइवली मॉल, हम लास्ट टाइम गए थे तो बड़ा मजा आया था, साथ हमारी वाइफ फिजा भी है जो कि हाफ स्लीव्स पहन के आ गई है, अभी बीमारी सी खत्म हो ही नहीं है, लेकिन फैशन भी तो है ना, क्या कर सकते हैं, तो हम स्विच कर लेंगे बाद में। हाँ ये बाद में मेरी जैकेट इसके ऊपर आ रही होगी, मुझे पता ना इस बात का। 46 फ़ारेनहाइट हो रहा है इसलिए बीमार हो रहे हैं लोग, मौसम ना ऊपर नीचे हो ही जा रहा है, लाइक देयर इज नो स्टेडी पेस मौसम के अंदर। अगर आपको टेंशन हो रही है कि मौसम के बदलने से मूसा खाना के ब्लॉग रुक जाएंगे,
इंशाल्लाह नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी क्या खा रही हो? ये कुरकुरे उधर ही रखे मैंने तुमने। व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा? इतनी तेज है, उसको पता है कल हमने अगले दिन इसी गाड़ी में जाना है, उसने वहाँ पे रख लिए कुरकुरे। बॉयज एंड गर्ल्स, मैं अपने व्लॉग की शक्ति से एक काम करूँ ना करूँ, कुरकुरे की फैक्ट्री मैंने बंद करवानी है। खाई जा रही है कुरकुरे, खाई जा रही है, इतने गंदे हैं, प्लास्टिक खाई जा रही है बैठ के। ये गाड़ी का प्लास्टिक खा लो। एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, आई विल सी यू एट द आउटलेट मॉल इंशाल्लाह। ये बॉयज एंड गर्ल्स सीन, हम आ गए यहाँ पे ना, फूड ट्रक्स लगे होते हैं हमेशा ना, तो थोड़ा सा लाइवली माहौल होता है। आज वैसे शुक्र है रश का, मैं रियली लाइक द एंट्रेंस। चेक करो ये दुकानें आ जाती हैं, ये नाइकी का स्टोर सामने है, और फिर ये सारी दुकानें सामने जो ना लंबी सी लाइन आती है ना, तो इधर उधर दुकानें हैं सारी। कोजी सा एनवायरनमेंट लगता है इवन दो इट्स ओपन एयर। वैसे अंदर थोड़ी गर्मी गर्मी है ना, रश देखो जरा नाइकी के स्टोर पे, बॉयज एंड गर्ल्स लाइन देखो, अल्लाह माफी दे। आई नेवर लाइक नाइकी के कपड़े फॉर सम रीजन, बट मुझे नाइकी होता है शूज का भी शौक, नाइकी के बाद में हो गए, बाद में खत्म हो गया। नाइकी के शूज भी वो ले नहीं रहे जो पहले होते थे, उससे बहुत बेहतर उसके होते हैं न्यू बैलेंस के। फाइंडिंग मामू, कॉल करो उन्हें पूछो जरा, लगता है मामू ने मैनेकिन की जगह खड़े हुए किसी, यहाँ पे ना पोज मार के बिल्कुल इसी तरह पोज मारा हुआ होगा उन्होंने। वो देखो बॉयज एंड गर्ल्स वो सामने से, ओह माय गॉड, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। शर्लॉक होम्स कब से बन गया यार, ये पैसे खर्चे हैं। नजर आ रहा है मुझे, लुकिंग गुड। कल से रिडेम्पशन है ना, कल की वीडियो के बाद से गुस्सा चढ़ रहा होगा देख के। कल मैं तैयार नहीं था ना, मेरी वो कुकिंग करते हुए बना ली, उसके बाद मुझे बहुत से बच्चों का मैसेज आया, खाने पाने का तरीका पूछ रहे हैं, बाद मुझे काफी सारे मैसेज आए, बहुत से लोग बहुत तैयार करते हैं मुझे। आपको दो बंदों ने मैसेज किया, मीना का पूछ रहे, वो कहीं से उसको जवाब नहीं मिल रहा ना किसी को, तो उन्होंने कहा मामू से पूछ। मैंने कहा वो छूमंतर हो गया। मिल गए तुम्हें कपड़े बच्चों? अभी तक शॉपिंग नहीं हुआ। क्या क्या लिया तुमने बताओ मुझे? बॉक्सर्स है ना, ये शर्ट अभी। ये तुमने अंडरवेयर अभी से पहनना शुरू कर दिया? हाँ, मेरा ये बचपन से पहनता है, तो अभी भी नहीं पहनते। वो क्या हुआ है बेबी? जरा रूम ओवर देयर, इधर ही उतारो अपनी शर्ट। ओके, टेक ऑफ योर शर्ट सूफी। हां मूसा, तो मैं चेंज करवाऊं? सूफी द गर्ल्स आर वाचिंग, कम ऑन। वो देख कितना शर्मा रहा है। अच्छा जाओ पापा के पास जाओ। बड़ी मुश्किल है बच्चों को भी। सही बात है। फिजा ने अपनी शॉपिंग शुरू कर दी है। मैं कह रहा हूँ ये ले लो। कुछ लोगों ने मैनिकिन्स के साथ ही रिलेशनशिप रखा होता। oh, तो अच्छा लगा तुम हमें, हम तुमको ये भी दिला देंगे। स्कर्ट ले लो, ये अच्छी होती है, चलो पहनो तो सही है, रॉक स्टार बन जाओगी तो पहन के। देखो अच्छी लग रही है। नहीं नहीं नहीं, दिस इज गुड। मामू कह रहे हैं कि छोटा सा ब्लॉग शूज पे बनाओ, ये नॉट बैड, ये अच्छा है, अच्छा लग सकता है विद जीन्स। ये वाला ऊप्स, मत दे सारा मेरे से बिगाड़ यार, मुझे ये कौन सी जोड़ी। ये देखो ना, ये मामू के लिए स्पेशल, अच्छे लग रहे हैं। हाँ ये भी अच्छे हैं, ये भी प्यारे हैं, एयर मैक्स। ये देखो सबवे के, सबवे हां सही पहुंचे, सबवे के जूते। ये कैसे आपके लिए गिफ्ट बर्थडेगा? साथ दो झूमर भी ले लेता। लेविस के स्टोर पे जा रहे हैं हम, लेविस के। तो मामू का दावा है कि यहाँ पे पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान चीजें, लेकिन मेड इन बांग्लादेश होती हैं। ये मैं दुश्मन को भी ना पिलाऊं ऐसा स्टाइल, पहले होता था मेड इन पाकिस्तान। देखा इंडिया, मेड इन पाकिस्तान, मतलब इतने भी पीछे नहीं हम आ रहे हैं, पीछे माशाल्लाह भाई, मैं तो खुश हो रहा हूँ। और शर्ट की क्वालिटी भी अच्छी है। ये मामू ले आए अपनी शर्ट, कह रहे ये मैं पहनूंगा अब से। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा लुक एट हियर, दिस इज मेड इन पाकिस्तान। अच्छा मुझे दिखाना चाहते, ये उसने पहनी होती है। मेरे पास मैंगो है, कोई असला तो नहीं? आप लोगों को चुभा दूं, कोई मसला तो नहीं? बस पाकिस्तान में कोई मसला तो नहीं। मामू ना बार बार बहाने से कह रहे हैं बनाओ बनाओ शॉप्स को, लेकिन चाह रहे हैं उनकी मैं बनाऊं असल में ना, वो आज डिटेक्टिव पुलिस। ओह माय गॉड, इफ बीइंग सेक्सी इज अ क्राइम, अरेस्ट मी। सॉकर के भी कपड़े आ गए। आप कौन सपोर्ट करते हो? मैं अपने आप को सपोर्ट करता हूँ। अल नासर को सपोर्ट करता हूँ। अल नासर, रोनाल्डो, जिधर रोनाल्डो उधर तुम है। पर रोनाल्डो एक्सपायर होने, इंस्पायर कह रहा हूँ, क्या है, रिटायर होने वाला है दो साल में। हाँ। उसके फिर बेटा जाऊंगा वहाँ पे, तुम फॉलो करो उसको। कितनी प्राइसेस की? $85 से बेहतर कपड़े मिल जाते थे, 4-4, 5-5। ये हुडी अच्छी है वैसे, बॉयज एंड गर्ल्स ये हुडी मैंने अपने ऊपर ट्राई की है, वैसे बुरी तो नहीं लग रही, अच्छी लग रही है, खुली खुली है, बड़ा लाइक है। बाहर जाके ओपिनियन लेते हैं, चेक करते हैं। फिजा तो कह रही है बहुत लूज है ये, इसके नीचे पहनो तो अच्छा लगेगा, मैंने तुम्हारे लिए वही बन जाऊंगा फिर मैं, मेरे हाथ में असला है। नहीं ये सही ऑनेस्ट ओपिनियन दो मुझे, मेरे पे डोरी डाल के मुझे उड़ा भी सकते हवा में। कलर प्यारा ना, मैंने इसलिए लिया, चलो ले ले। नहीं मुझे कहा था मूसा भाई टाइट पेंटे ना पहना करो, टिकटॉकर लगते हो। मतलब अब मुझे एक बात बताओ, ये देखो ये जब टांगे बनाई हुई है तो मैं क्यों ना टाइट पैंट पहनूं है? प्लस यार मैं कोई टिकटॉकरों को थोड़ी देख के पहनता हूँ। आई लाइक द स्टाइल, आई थिंक इट लुक्स प्रीटी कूल, यू कैन कॉल मी
लेकिन फर्क नहीं पड़ता वेयर व्हाट यू वांट टू वेयर, बस ब्रा नहीं पहननी ठीक है कभी एज अ बॉय, और मेकअप बाकी सब चलता है। बॉयज एंड गर्ल्स, हम टॉमी के स्टोर पे हैं और मैंने ढेर सारी चीजें उठा के चेक करनी है कैसी लग रही हैं। आओ जरा मेरा फैशन शो करें थोड़ा सा। शर्ट नंबर वन, व्हाट डू यू थिंक बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट डू यू थिंक गर्ल्स एंड गर्ल्स? शर्म करो, तुम तो ऐसे कह रहे, तुमने मेरे को भी देखा नहीं है। बताओ कैसा लग रहा हूं, सेक्सी लग रहा हूं मेरे? ओफ, सच अ डैशिंग हस्बैंड यू हैव। कपड़े फाड़ने का टाइम आ गया। बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज द कॉम्बिनेशन टू स्वेटर ऑन टॉप, बॉबी देओल। अब लोग कहते हैं स्किनी जीन्स और स्किनी स्किनी, हम नहीं इस तरह रहते। इट्स ऑल अप टू योर फैशन, यू नो, शुड हैव दैट लुक अबाउट योरसेल्फ कि जब दूर से बंदा देखे ना कि यार ये सबुक्तगीन चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। फैशन नंबर फोर, चले लास्ट है, हमारी फिजा ना थक गई है थोड़ा सा। मैंने एक चीज नोटिस किया, मैंने ये कपड़े ले लिए, हालांकि मेरा इरादा नहीं था क्योंकि मुझे आजकल कपड़े अच्छे नहीं नजर आ रहे थे। मसला ये था कि हमें ना असल में हमेशा सेल सीजन पे आते थे, सेल सीजन पे ना दुनिया भर का कूड़ा रखा होता इन्होंने। अब एक चीज पे सेल नहीं लगी हुई, जो मैंने चीज ली ना ऑलमोस्ट फुल प्राइस पे ली है, लेकिन सारी चीजें प्रीमियम क्वालिटी की रखी है उन्होंने। इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द क्लोथ्स, इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द क्लोथ्स, ठीक है। मैं ज्यादा कपड़े नहीं लेने चाहिए, लेकिन जो लो वो ऐसा लो कि आप 50 बारी पहनो आगे। बंदा ना फिर अच्छे पैसे लगा ले एक दफा में चीज, लेकिन चीज अच्छी हो। बॉयज एंड गर्ल्स, अब हमारा ना मेजॉरिटी वोट पे प्लान बना कि हम कबाब हाउस जाके खाना खाएंगे। कबाब हाउस में आपको पहले भी लेके गया हूँ, बट माय फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस। मुसा को कबाब ऐसे बड़े पसंद है। वाह वाह वाह, किसी तरह का भी हो बस कबाब होना चाहिए। इधर मतलब मैं कबाब दिखाऊं, मेरा कबाब इतना रंगीन नहीं है। Later. Boys and girls, हम आ गए हैं कबाब हाउस पे। यार ये आर्लिंगटन में, I cannot recommend this place enough. I mean it's really good. Every item they have is really good. We keep coming back to this place. और buffet है basically, halal desi food. मजे का सीन। बॉयज एंड गर्ल्स, मैंने रेस्टरूम जाना था लेकिन लगता है किसी अंकल की ना मतलब फंस गई है, फंस गई है अंदर। तुम जाके मदद कर दो, डालो निकाल लो। आए हाय, लेकिन जो आइटम है ना वो खानदानी है, वानी पुलाव वाला चक्कर। हाय हाय हाय, बहुत ही चेक करो, हर चीज काम की है। ये सबसे मजे की चीज है चिकन बोटियां, एंड इनके कबाब भी बहुत मजे के, एंड द सूप। यार एक एक कबाब, इतने कबाब नहीं लिए जा सकते, एक एक करके ले। पहले कबाब आप लोगे या मैं लूं? तुम भी लो, मामू और मैं दोनों साथ कबाब लेंगे टेस्ट टेस्ट की। नो नो, ओनली मैंने इंडोर्स करा था जगह ना, लोगों को पता नहीं जो यहाँ पे रहते हैं ना एरिया में, वो देखते हैं ये लोगों का बिजनेस ना इतना चल नहीं रहा जितना चलना चाहिए। लोग ही रखो, फिर जगह नहीं मिलेगी। तुम्हें पता है ऐसे ही ना लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि काश आपके सब्सक्राइबर्स ना बढ़े, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों को पता ना चले आपके बारे में। तुमने वही बात की है, लोग ही रखो, नहीं मैं चाहता हूँ उनका धंधा चले। माशाल्लाह अच्छा काम करें, बहुत अच्छा काम करें, एंड वेरी टेस्टी कबाब। बॉयज एंड गर्ल्स, एक बंदा ना पीछे बैठा हुआ है, वो ना ठूस ठूस के केले खा रहा है बार बार ना। फिजा की तरफ देखा ना तो केला खाते हुए करता है, मामू की तरफ देखा ना करता है। मुझे तो स्माइले दे रहा है कब से बैठा। देखो मैंने तो मना करा था 3 प्लेट में कबाब ना डालो, उसको यही तो देखो प्लेट में भी डाला है कबाब। बाल भी कर लिए हैं उसके, इसी कर्ली बालों से मैंने सब पका लिया। अब हम निकल रहे हैं, ये मामू मैं तो देख नहीं रहे क्या हो गया है हमारे लिए। ऑयल ढूंढ रहा था, पॉलिश नहीं, फॉर्मालिश। तो एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, आज के ब्लॉग को फिर हम यहाँ पे एंड करते हैं। इफ यू लाइक द ब्लॉग देन डू लाइक द वीडियो, और सब्सक्राइब करना आप लोगों ने नहीं भूलना, कॉस्ट यू नथिंग बट हेल्प्स योर बॉय अ लॉट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग।